आके देखते हैं। वेलकम गाइस ऑन केमिस्ट्री शार्ट वीडियोस। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैंने 3 रिएक्शन में लेके आया हूँ, जो कि चाहे वो यूपी बोर्ड हो और चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये नेमिंग रिएक्शंस हैं। वैसे अपने लोग इसमें आज मैग्रिज्म नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम आ चुका है, बच्चों को क्विक रिविजन चाहिए। इसी पर्पज से मैंने शॉर्टकट में इन तीनों रिएक्शंस को लिख दिया है। चूँकि ये तीनों ही रिएक्शंस एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, इसीलिए मैंने एक ही बार में इन तीनों रिएक्शन को लिख दिया है, ताकि आपको एक बार में मिल जाए और बार बार इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आइए देखते हैं क्या है। पहला रिएक्शंस है उर्ज रिएक्शंस। अच्छा, चाहे बच्चा यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए ही आसानी से वो पढ़ सकता है। मैंने इस तरीके से इसको लिखा है। देखिएगा, पहला है उर्ज रिएक्शन, उर्ज क्रिया। तो देखिए, उर्ज रिएक्शंस में मैंने क्या किया है, मैंने एक्चुअली हैलो एल्केन लिया है। आप जानते होंगे हैलो एल्केन्स चैप्टर, ये है पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12th, हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन। आइए देखते हैं हैलो एल्केन्स की रिएक्शन, आरएक्स की रिएक्शन मैंने सोडियम के दो एटम के साथ कराई है। एक्चुअली में यहाँ मैंने हैलो एल्केन्स के दो मॉलिक्यूल लिए हैं, एक इधर लिया है और एक इस तरफ लिया है। ये भी हैलो एल्केन ही है, बस इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने यक्स को पहले कर दिया है, आर को बाद में कर दिया है। इसके बाद मैंने इस रिएक्शन को इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लिया है, और ड्राई ईथर की एफिशिएंसी में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैंने इस रिएक्शन को कराया है। आइए देखिए, शॉर्टकट में मैंने इसको यहाँ से एक स्क्वायर बॉक्स की तरीके से 2 यानी एक्स को बाहर निकाल दिया है, ताकि आपको रिएक्शन आसानी से समझ में आ जाए और ये आर और ये आर आपस में जुड़ के आर और आर बन जाएगा। अच्छा, ध्यान रखें, आप एग्जाम में भी ऐसा प्रोसीजर कर सकते हैं, नंबर कटेगा नहीं। आप देखेंगे तो मैंने इसी को नेमिंग लिख दिया है कि कैसे कैसे इसका नेम करेंगे। तो ये आर एक्स है, ये हैलो एल्केन है, ये आप जानते हैं सोडियम है, और ये भी हैलो एल्केन ही है, बस यक्स आगे हो गया, आर पीछे हो गया। ये भी हैलो एल्केन है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर 2 यानी एक्स बाहर निकल गया है, ये आर और आर मिलके एल्केन बन जाता है। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात, आप जितने कार्बन का एल्किन लेंगे, जस्ट उसके डबल नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। जैसे आप मान लीजिए एल्किन में मेथिल लेते हैं CH3, तो आपको जो एल्किन मिलेगा वो आपको मिलेगा C2H6। आइए दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरा है फिडिक रिएक्शन। एक्चुअली में देखा जाए तो उर्ज और फिटिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जहाँ पर आपने हैलो एल्केन लिया है वहीं पर आप हैलो एरिन ले लीजिए। अगर आप देखिए तो मैंने कोई चेंजिंग नहीं की है, बस जहाँ जहाँ आर है वहीं वहीं मैंने पीएच ले लिया है। व्हाट डू मीन बाय पीएच? पीएच क्या है यहाँ? पीएच मतलब फिनाइल, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5। अच्छा, बाकी चीज़ें मैंने प्रोसीजर ही सेम कर दिया है, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जहाँ पर डाई एल्केन मिल रहा था, जिसे आप एल्केन कहते थे, वहीं पर इस बार डाई फेनिल मिल जाएगा। अगर आप नीचे देखिए तो मैंने लिखा है हैलोएरिन की रिएक्शन सोडियम के साथ, फिर से मैंने हैलोएरिन लिया है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर 2 यानी एक्स बाहर हो गया है, इसका नाम मैंने लिख दिया है डाई फेनिल। अच्छा, अगला देखते हैं तीसरा, उर्ज फिटिक। एक्चुअली ये बिल्कुल भी नई रिएक्शन है ही नहीं, उर्ज फिटिक। अगर आपने अब तक उर्ज और फिटिक रिएक्शन देख लिए, तो एक्चुअली में अगर आप देख सकते हैं तो मैंने उर्ज प्लस फिटिक बराबर उर्ज फिटिक मैंने खुद लिखा है। अगर आप उर्ज और फिटिक पढ़े हैं तो उर्ज फिटिक बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि ये एक्चुअली में इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ उर्ज एंड फिटिक रिएक्शन। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने हैलोएरिन लिया है और हैलोएल्केन लिया है। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो हमने फिटिक में हैलोएरिन लिया था और उर्ज में हैलो एल्केन लिया था, तो यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल हैलोरिन लिए हैं और दूसरा मॉलिक्यूल हैलो एल्केन लिए हैं। बाकी रिएक्शंस में कोई चेंजिंग नहीं है। 2 या ने लिया है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जैसे ऊपर की सभी रिएक्शंस में 2 या ने एक्स बाहर होते हैं, वैसे यहाँ भी 2 या ने एक्स बाहर हो गया है। अच्छा, उसके बाद पीएच और आर मिलके पीएच आर बन जाता है। सबसे बड़ी समस्या की बात आती है कि सर इसका नाम हम क्या लिखेंगे? तो देखिए, इसको हम एल्किल बेंजीन भी बोल सकते हैं, या इसको हम फिनाइल एल्केन भी बोल सकते हैं। अब ये नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है, कब हम इसको एल्किल बेंजीन और कब इसको हम फिनाइल एल्केन बोलते हैं। इसको आपने IUPAC में पढ़ा होगा। बहरहाल, अभी अपने लोगों को ये नहीं डिस्कस करना है कि कब सर क्या लिखेंगे, अपने लोगों को ऑब्लिक करके दोनों बातें लिख देनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये वीडियो बिल्कुल एज ए क्विक रिविजन है फॉर 2023 वाले जो भी बोर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये बिल्कुल एज ए क्विक रिवीजन है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।